आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने कहा कि विधायक होते हुए भी उनकी कोई सुन नहीं रहा है और ना ही कोई मदद मिल रही है। मरीजों को ऑक्सीजन, दवाइयां और अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आज मुझे दिल्ली की हालत देख के रोना आ रहा है और मेरा दिल मचल रहा है, परेशान हूँ और रात भर नींद नहीं आ रही है मुझको। जिस तरह की लोगों की बेचैनी देख रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मेरा दोस्त इस वक्त तड़प रहा है अपना हॉस्पिटल में, उसको ना ऑक्सीजन, उसके बाद ना वेंटिलेटर है। रात से पर्चा मेरे पास है कि रेमडेसिविर मेडिसिन में उसको कहाँ से ला के दूँ, इंजेक्शन कहाँ से ला के दूँ। उसको कुछ ही देर के अंदर खुदा नखास्ता उसका जो है कहीं उसको ध्यान ना हो जाए, बच्चियां तड़प रही हैं, कोई दे दो अस्पताल के बाद न्यू लाइफ हॉस्पिटल के अंदर। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है और आज बेबस है, सब कुछ पैसा है लेकिन ना अस्पताल मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है। मुझे आज अपने MLA होने पर जो है आज फख्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके, सरकार हमारी हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है।